अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, जो कि मे बी टाइटल से आपने देख लिया हो कि ये एक कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियो है। और आपको ये बताते चलें कि ये पीसी जो है, ये हमारे एक मोहतरम भाई अमार असलम, जो क्वेटा से बिलोंग करते हैं, उनकी बिहाफ़ पे तैयार किया जा रहा है। तो इस पीसी के अंदर जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं, उसका कुछ इंट्रो आपको दे देते हैं। इसमें फर्स्ट प्लेयर की DK D4 केसिंग, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वो हम यूज़ करेंगे। और रेड ड्रैगन की 27-इंच LED जो है, वो 165 Hz रिफ्रेश रेट के साथ वो इसमें मौजूद है। इसमें B365M Pro VH मदरबोर्ड हम यूज़ करने वाले हैं। 128 GB किंग डियान की NVMe है। 550 W की 80+ ब्रॉन्ज रेटिंग के साथ पावर सप्लाई है। Core i5 9400 डिस्क्रीट बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड के साथ ये प्रोसेसर है। एंड नॉट ओनली दिस, इसके अंदर जो 16 GB रैम है 3200 MHz, और उसके साथ साथ 1 TB Seagate Barracuda हार्ड ड्राइव शामिल है। और सामने ग्राफिक कार्ड भी आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इट्स नॉट ओनली दैट, इसमें कुछ कंपोनेंट्स और भी जो कि ड्यूरिंग दिस गेमिंग पीसी बिल्ड आपको दिखाए जाएंगे, वो हम इंशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे। और वो आपको बिल्ड के दौरान बताएंगे कि कौन कौन से और कंपोनेंट जो है वो इस सिस्टम के अंदर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। सो लेट्स मूव, अब शुरू करते हैं अपना पीसी बिल्ड करना। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप जो कंपोनेंट्स वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे वो भी आप देख सकें। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। तो ये है जी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मदरबोर्ड, एज़ यू कैन सी MSI ब्रांड की जानिब से B365M Pro VH, और ये प्रो सीरीज़ का मदरबोर्ड है। और इसमें B365 चिपसेट है, इंटेल कोर प्रोसेसर्स को ये सपोर्ट करता है, इंटेल ऑप्टेन मेमोरी की सपोर्ट भी इसमें मौजूद है। तो बढ़ते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं, एंड यू कैन सी कि इसकी ये सील इंटैक्ट है। इसको खोल लेते हैं। तो ये है जी हमारा B365 मदरबोर्ड, जो कि LGA1151 सॉकेट के साथ है। और अगर आप इस मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखना चाहते हैं, तो वो काफ़ी पहले से हमारे चैनल पे अपलोडेड है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर जो बाकी कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, उनका आपको एक रफ़ ओवरव्यू दे देते हैं। MSI ट्रू गेमिंग का स्टिकर है मौजूद यहाँ पे। दो जो है ये SATA केबल्स हैं, इसके साथ ये बैक IO पैनल है, ये इसके अंदर एक DVD है, ये कुछ एक वेलकम टाइप ऑफ ब्रोशर है, ये क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है, और उसके साथ साथ ये एक जो है वो इसके अंदर M.2 स्क्रू है। सो इस बॉक्स को तमाम एसेसरीज समेत एक साइड पे कर देते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एसेसरी की फ़ौरी तौर पे हमें ज़रूरत नहीं है। और बढ़ते हैं, इस मदरबोर्ड के अंदर हम NVMe रैम्स और प्रोसेसर इंस्टॉल करेंगे। और फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इसमें अपना प्रोसेसर इंस्टॉल करते हैं। तो ये है जी हमारे पास Core i5 9400, एज टोल्ड अर्लियर के ये डिस्क्रीट ग्राफिक्स के साथ है। इसको ओपन कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास कटर, एज यू कैन सी इस बॉक्स के कंटेंट्स में एक इसका CPU कूलर है, इस जानिब जो है ये i5 9400 प्रोसेसर, और उसके साथ साथ ये इसका एक इंफॉर्मेशन बुकलेट मौजूद है। और अगर आप इस वीडियो को इस वजह से देख रहे हैं कि आपने भी PC बिल्ड करना है,
तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपना तमाम वर्किंग एरिया जो है उसको क्लियर रखेंगे, आसपास कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट और कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से बचाने के लिए ये नीचे जो है वो हमने ये इस पॉलीथीन बैग को रखा हुआ है। और थर्डली, आप किसी भी कंपोनेंट को गैर ज़रूरी तौर पे हरगिज़ टच नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे जो गोल्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस लीवर को, इस लैच को ऊपर उठा लेना एहतियात से, और जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि ये LGA1151 सॉकेट है, और इस प्रोसेसर को इंतहाई केयरफुली आपने ओपन कर लेना है, और इसके अंदर आपको एक गोल्डन कॉन्टैक्ट पॉइंट नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये ट्रायंगल, इसको आपने मदरबोर्ड की जो ट्रायंगल है उसके साथ मैच करना है। और वैसे भी आई थिंक सो कि किसी रॉन्ग ओरिएंटेशन पे ये बिल्कुल इंस्टॉल नहीं होने वाला, इसको फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे बैठ गया है। उसके बाद हम इसको कर देंगे लॉक, और जैसे ही ये कम्प्लीटली लॉक होगा तो फौरी तौर पे ये जो ब्लैक सॉकेट है इट विल पॉप आउट एज़ यू कैन सी, एंड नाउ सक्सेसफुली वी हैव इंस्टॉल्ड अवर प्रोसेसर। और अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे रैम्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं PNY ब्रांड की जानिब से 3200 MHz 8x2 स्टिक्स हैं, टोटल DDR4 और केस लेटेंसी 16 के साथ है ये। इसका मतलब है ये हाई पोटेंशियल रैम है। और इसके अलावा RGB फ्यूजन, ASUS ऑरा सिंक, एजरॉक पोलीक्रोम सिंक, MSI मिस्टिक लाइट के साथ ये सिंक्रोनाइज भी हो जाती है। तो चलिए इस रैम्स को इंस्टॉल करते हैं। ये हैं जी हमारे पास रैम्स, इंतहाई खूबसूरत, डिसेंट, देखने में भी ये बहुत अच्छी हैं और उसके साथ परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छी हैं, और काफ़ी अच्छी ऑफिशियल वारंटी के साथ जो है ये अवेलेबल हैं, 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ ये अवेलेबल हैं। तो चलिए इसको अब हम, और आपने ध्यान रखना है कि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो गोल्ड प्लेटेड होते हैं इनको आपने बिल्कुल भी टच गैर ज़रूरी तौर पे नहीं करना। तो इसको, सॉकेट को अनलॉक कर लेते हैं, और अब इसके अंदर हम फिक्स करते हैं ये रैम। आई होप सो कि आपको दो दफ़ा क्लिक साउंड जो है वो आई होगी, जिसका ये मतलब है कि ये रैम जो है वो प्रॉपरली लॉक हो चुकी है। तो यहाँ पे मौजूद है जी सेकंड रैम, इसको भी इन द सेम वे हम इंस्टॉल कर देंगे। और वंस अगेन आपको दो दफ़ा क्लिक साउंड आई होगी, जिसका ये मतलब है कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपनी NVMe इंस्टॉल करने की जानिब। तो यहाँ पे मौजूद है जी हमारे पास किंग डैन ब्रांड की जानिब से 128 GB की NVMe, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। और इसके साथ ये दो M.2 स्क्रू जो हैं ये भी बॉक्स के अंदर से बरामद हुए, और इस स्टैंड ऑफ की पोजीशन, यहाँ पे आप एक स्टैंड ऑफ देख पा रहे होंगे, इसकी पोजीशन आपने पहले ही चेक कर लेनी है। सम टाइम ये मिसप्लेस्ड होता है क्योंकि NVMe जो है ये डिफरेंट साइजेस में आती है, बट आई नो कि इट्स प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एट इट प्रॉपर पोजिशन। तो इसको एनी वेज, इस स्क्रू को, इस स्टैंड ऑफ को थोड़ा सा आपने टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत मामूली सा मार्जिन था, अदरवाइज इट वाज ऑलरेडी टाइटली फिक्स्ड। तो अब हम इसमें ये NVMe जो है इसको फिक्स करेंगे। एंड इट जस्ट पॉप्ड आउट, और इसको अपनी प्रॉपर पोजीशन पे रख के हल्का सा प्रेस करेंगे, और आपको वंस अगेन एक क्लिक साउंड आई होगी। तो ये प्रॉपरली लॉक हो चुकी है, अब इसको सिक्रियो से टाइट करते हैं। तो ये है जी हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त मार्वल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से इसको सिक्रियो टाइट कर देंगे, और ये इस स्टैंड ऑफ के ऊपर अपनी पोजीशन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फिक्स हो जाएगी।
तो एवरी थिंग हैव बीन डन इन अ वेरी परफेक्ट वे। अब बढ़ते हैं केसिंग की जानेब। हमारा मदरबोर्ड जो है इंक्लूडिंग इट्स कंपोनेंट्स ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं केसिंग की जानेब, उसकी वायरिंग को ओपन करते हैं, उसमें पावर सप्लाई फिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने अगले स्टेप्स की जानेब बढ़ें जो आपको बताए गए हैं, पहले हम इन तमाम कंपोनेंट्स को और तमाम एसेसरीज़ को वापस पैक कर देते हैं ताकि हर जो एसेसरी है वो हमारे भाई तक पहुँच सके प्रॉपरली और कोई भी चीज़ जो है वो मिसिंग ना हो व्हेन द सिस्टम अराइव्स। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब हम गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं तो तमाम जो एसेसरीज़ हैं ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द सिंगल स्क्रू हम वो जो है कस्टमर तक पहुंचा दें। और आपको ये बात एक दफ़ा फिर बता दें कि इस गेमिंग पीसी बिल्ड में जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं इनकी काफ़ी पहले से जो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो कि डेडिकेटेड अनबॉक्सिंग की शक्ल में हैं और आप वहां से देख सकते हैं। और इससे पहले कि हम अगले स्टेप्स की जानेब बढ़ें, वंस अगेन ये हमारे पास एक कूलर मास्टर की थर्मल पेस्ट है जिसको हम जो है वो अप्लाई करेंगे और कूलर जो है वो इसके साथ ही फिक्स कर लेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि कूलर के ऊपर ऑलरेडी थर्मल पेस्ट अप्लाइड होती है, लेकिन हमने चूँकि जितने भी गेमिंग पीसीज हम तैयार करते हैं हम उनके ऊपर स्पेशल थर्मल पेस्ट का यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे स्पेशल थर्मल पेस्ट ही यूज़ करने जा रही हैं, जो कि सिस्टम के टेम्परेचर को डाउन रखने में और स्टेबिलिटी को मेनटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल। तो सामने आप देख सकते हैं कि दिस मच क्वान्टिटी ऑफ द थर्मल पेस्ट इज़ सफिशेंट एनफ। और इसके बाद इसको कूलर जो है इसको फिक्स करते हैं, इसकी थर्मल पेस्ट को पहले वाइप करेंगे और उसके बाद इसको फिक्स करेंगे जी। तो दिस मच क्वांटिटी इज सफिशिएंट एनफ एंड वी हैव वाइप्ड अवे द प्री इंस्टॉल्ड थर्मल पेस्ट, क्योंकि हम कोई भी थर्मल पेस्ट जो प्री अप्लाइड होती है वो सिस्टम के अंदर यूज़ नहीं करते। वो एयर कूलर के अंदर भी मौजूद होती हैं, लिक्विड कूलर्स में भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमेशा एक स्पेशल थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो हमने कर लिया। और इस कूलर को हम इसके ऊपर रख के जेंटली पुश करेंगे ताकि इसके तमाम लॉक्स जो हैं वो प्रॉपरली लॉक हो जाएं। क्लिक साउंड आई होगी जिसका ये मतलब है कि ये चारों लॉक जो हैं वो इसके प्रॉपरली अपनी जगह पे सेट हो गए हैं। तो अब बढ़ते हैं केसिंग की जानेब जी। तो ये है हमारे पास फायर डांसिंग V2A जो आपको शुरू में केसिंग दिखाई गई थी, वो ड्यू टू सम रीज़न एज़ पर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर उसको चेंज कर दिया गया। और ये फर्स्ट प्लेयर की जानिब से जो फायर डांसिंग V2 है इसको इंशाल्लाह अब हम इंस्टॉल करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इन केसिंग की भी काफ़ी पहले से एक डेडिकेटेड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो हमारे चैनल पे मौजूद है, जो आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट केसिंग है। अभी ये केसिंग आपको दिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ARGB फैंस जो हैं वो इसके फ्रंट पे हैं, फ्रंट पे ग्लास भी मौजूद है। और फोर्थ एग्जॉस्ट फैन जो कि ARGB है ये भी आप इसमें देख सकते हैं। इसमें दोनों जानिब ग्लास मौजूद है, फ्रंट पे भी और साइड पैनल भी, लेमिनेशंस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसकी वायरिंग को ओपन करते हैं, मदरबोर्ड को इसके अंदर फिक्स करते हैं, इसमें पावर सप्लाई फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ARGB फ़ैन अंदर वाली साइड से, पावर सप्लाई श्राउड भी मौजूद है इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, और फोर्थ ARGB फ़ैन आप यहां पे देख सकते हैं। तो चलिए इसमें स्टैंड ऑफ्स की जो पोजीशन है उसको चेक करते हैं और जो मिसप्लेस्ड हैं उनको एडजस्ट करते हैं, पावर सप्लाई फ़िक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सिस्टम केसिंग को ओपन कर लिया है, वायरिंग इसकी हमने ओपन कर ली है और साथ ही हमारे पास वो मदरबोर्ड मौजूद है जो हमने तैयार करके रखा था तमाम कंपोनेंट्स इंस्टॉल करके। तो अब इस मदरबोर्ड को जो है वो फिक्स करते हैं स्टैंड ऑफ्स की पोजीशन चेक करने के बाद सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इन स्टैंड ऑफ्स को प्रॉपरली अलाइन कर लिया है मदरबोर्ड की फिटिंग के मुताबिक, देवर हाईली मिसप्लेस्ड। और अब हम जो है इसके अंदर ये बैक IO पैनल जो कि हमारे पास मौजूद है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने
आईओ बैक पैनल को भी इंस्टॉल कर लिया है, मदरबोर्ड जो है वी हैव प्रॉपरली प्लेस्ड इट। अब इसको सिक्योर राइट करते हैं। तो ये है हमारी अब तक की सिस्टम की लुक। सिक्योर्स जो हैं उनको प्रॉपरली टाइट कर दिया गया है, स्टैंड अप की पोजीशन को डबल चेक कर लिया गया है, और दिस मॉन्स्टर हैज स्टार्टेड टू टेक इट्स प्रॉपर शेप नाउ। तो अब बढ़ते हैं और इसके अंदर यहाँ पे इस एरिया के अंदर श्राउड के नीचे पावर सप्लाई इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आप इसका अंदर का माहौल देख सकते हैं, इंतहाई नीट एंड क्लीन, खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ये सिस्टम जो है वो हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड और फोकस्ड होकर इसको बिल्ड किया जा रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि हर सिस्टम जो है द गेमिंग स्टोर पे इसी तरह से भरपूर तवज्जो, ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म के साथ तैयार होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब, विच इज़ द इंस्टॉलेशन ऑफ द पावर। यहाँ पे मौजूद है जी हमारे पास पावर सप्लाई, एज टोल्ड अर्लियर TGS 550 मॉडुलर, फुल मॉडुलर पावर सप्लाई है, और उसके साथ साथ सामने आप देख सकते हैं कि ये RGB भी है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास थंडर ब्रांड की जानिब से पावर सप्लाई TGS 550 मॉडुलर, जिसके अंदर तमाम केबल्स, एज यू कैन सी काफ़ी मेयारी केबल हैं ये, और ये जो बाकी कंपोनेंट केबल्स हैं ये भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के अंदर, इंतहाई खूबसूरत और डिसेंट लुक है इनकी। और गेमिंग पीसी बिल्ड में केबल मैनेजमेंट के दौरान ना सिर्फ ये अच्छी लगती हैं बल्कि इनको मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, इस पावर सप्लाई को फिक्स करते हैं और फिर इन केबल्स को हम जो है वो अटैच करेंगे सिस्टम के साथ, और इसकी वायरिंग का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TGS 550 मॉडुलर। तो मॉडुलर पावर सप्लाई को इंस्टॉल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इस पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोर्ट्स बनी हुई हैं। तो ये मेरे पास मौजूद है साटा केबल, तो साटा केबल जो है इसको साटा इंटरफेस के अंदर हम प्लग कर देते हैं। एज यू कैन सी, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CPU लिखा गया है, तो इसको CPU के अंदर हम प्लग कर देते हैं, CPU पावर के अंदर, जो कि 4+4 कॉन्फ़िगरेशन में आती है। तो ये मेरे पास मौजूद है मोलेक्स कनेक्टिविटी की केबल, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोलेक्स कनेक्टर्स के साथ है। इसको जो है वो इसकी 6-पिन पोर्ट के अंदर लगा देते हैं, और इसके साथ ही ये मौजूद है 24-पिन केबल, जिस एक तरफ से 20+8 पिन है लेकिन दूसरी जानिब से ये 20+4 पिन है। तो इसको प्लग कर देते हैं इसकी सॉकेट के अंदर। तो इट्स प्रॉपरली प्लग्ड इन नाउ, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ द PCI पावर, जो कि ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करने के लिए है। तो चलें इसको इसकी सॉकेट में प्लेस कर देते हैं। तो ये है जी अब तक की हमारी पावर सप्लाई की फिटिंग, जो कि मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो पावर सप्लाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने फिक्स कर ली है इसके अंदर, और ये जो है वो इस जानिब अच्छा खासा जंगल का माहौल जनरेट हो गया, जिसको इंशाल्लाह अभी मैनेज किया जाएगा। अभी हम इसमें सामने आप हार्ड ड्राइव बे देख पा रहे होंगे, तो इसके अंदर जो है वो हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल करते हैं, एंड लेटर ऑन जो है वो कनेक्शंस की जानिब बढ़ते हैं, कनेक्शन परफॉर्म करेंगे इसके। तो चलिए हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर। तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव फिक्स करने के लिए इस हार्ड ड्राइव केज को हम बाहर निकालेंगे। और इसको यहाँ से अनलॉक करेंगे। इसके स्क्रू जो है वो नीचे वाली साइड पे होंगे जी। ये तो ये हार्ड ड्राइव केज जो है वो बाहर आ चुका है, और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सीगेट बाराकोडा 1 TB। इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है जी सीगेट बाराकोडा 1 TB, जो हम इस हार्ड ड्राइव केज के अंदर इंस्टॉल करेंगे।
तो ये है हमारी अब तक की सिस्टम की लुक। सामने आप देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव जो है इसको इंस्टॉल किया जा चुका है और अच्छा खासा जो है वो मैसर वायर्स भी मौजूद है, जिसको अब हम बढ़ते हैं अपने केबल के कनेक्शंस मदरबोर्ड के साथ, पावर सप्लाई के और फ्रंट पैनल के ETC, ये सारी जो है वो कनेक्शन परफॉर्म करते हैं। और फिर जो है वो अगले स्टेप पे आपको लगता है कि वी आर वेरी क्लोज टू द पावर ऑन टेस्ट, लेकिन पहले ये केबल्स को सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ क्राफ्टेड। तमाम नेसेसरी कनेक्शंस, वायरिंग, केबल मैनेजमेंट इनर साइड पे इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके पहले पावर ऑन टेस्ट की तरफ और इसका एंड रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। और पावर ऑन टेस्ट करने के बाद अभी इसमें कुछ चेंजिंग्स मज़ीद बाकी हैं, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, देखते रहिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सिस्टम को टेस्टिंग टेबल पे रख लिया और तमाम केबल्स जो हैं उनको मैनेज कर दिया गया है। सामने आप तीन ARGB फ़ैन देख सकते हैं, फोर्थ वन बैक साइड पे है और दो फैंस इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा, ये आप ऊपर की जानब देख सकते हैं, ये फैंस हमने एक्स्ट्रा इंस्टॉल किए हैं इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके पावर ऑन टेस्ट करते हैं इसका। ऊपर आप मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देख पा रहे होंगे और ये है इसकी फ्रंट साइड लुक। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। तो ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत का सिला, जो इतने घंटों की कंटिन्यूअस मेहनत हुई है इस पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब एक परफेक्ट गेमिंग PC बिल्ड जो है वो हमारा तैयार हो गया है और एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो है ये अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे जा चुका है। यहाँ पे आप टॉप वाले फ़ैन देख सकते हैं और ये सामने PNY ब्रांड की जानिब से ARGB रैम्स आप देख पा रहे होंगे, ये एग्जॉस्ट फैन एंड दिस इज़ द फ्रंट लुक। होप ब्यूटीफुल इट इज़, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे आप फ्रंट पे देख पा रहे होंगे कि ग्लास मौजूद है और इसकी दो साइड्स पे ग्लास है, फ्रंट पे और लेफ्ट साइड पे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप भी ऐसा ही एक गेमिंग PC बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आप द गेमिंग स्टोर से कांटेक्ट कर सकते हैं विद द कॉन्फिडेंस कि इंशाल्लाह यहाँ पे ऑनेस्टी, डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म और हार्ड वर्क जो है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC बिल्ड या गेमिंग PC कंपोनेंट्स जो है वो डिलीवर करते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ के लिए, जो कि इंशाल्लाह हमारे चैनल पर आते रहेंगे, ख़ास तौर पर गेमिंग PC बिल्ड्स, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस जानिब आप देख पा रहे होंगे RGB पावर सप्लाई, यू कैन सी कि पुश बटन से इसके कलर्स जो हैं उनको मैन्युअली चेंज किया जा रहा है। तो ये है जी हमारा आज का खूबसूरत ज़बरदस्त सिस्टम और इंटरनल केबल मैनेजमेंट कितनी स्लीक एंड स्टाइलिश की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। Stay blessed. Allah Hafiz.